नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका चैनल पे। और ये वीडियो AFMC का पार्ट 5 है, जहाँ पे हम बेसिकली एडमिशन प्रोसेस और रिमूवल फ्रॉम द सर्विस एंड एट द लास्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करने वाले हैं। मतलब मेथड ऑफ सिलेक्शन भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज। आई नो इट्स बीन अ वाइल, मुझे लगता है मैं एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। इसका रीज़न सिंपल सा है यार, काउंसलिंग का कोई डेट आया नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के भी करूँगा क्या। उसके अलावा मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को टॉपिक्स नहीं है बनाने के लिए, मुझे AFMC का सीरीज तो कंप्लीट करना ही था, बट फिर भी मतलब मैं सोचा कि यार थोड़ा टाइम लेते हैं, कहीं और स्पेंड करते हैं। आई मीन यू नो आई वाज बोर्ड मेकिंग वीडियोस। पता नहीं कि हो सकता है अगर एक जगह एक बार माहौल चेंज हो जाए, कहीं बिजी होता तो फिर मज़ा आएगा बनाने में। फिलहाल मज़ा नहीं आता उतना, क्योंकि काफ़ी एडिटिंग वगैरह काफ़ी घंटे लगते हैं, मैंने बताया था पहले भी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट, लीव एवरीथिंग एल्स। तो ये बात है, तो ये था। और हाँ, एक और बात बता दूँ, मैं अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ, तो इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी फ्रॉम देयर। तो या तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर आप चाहो तो मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे बैनर में मैंने लगा रखा है फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो जस्ट इन दैट केस, बिकॉज मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं पर्सनली वहाँ से आंसर दे सकता हूँ। तो इसलिए अगर आपको कोई सवाल पर्सनली पूछना है, तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली DM कर सकते हो, आई वुड आंसर दैट। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक फर्स्ट थिंग, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, मैंने बहुत डिटेलली इसको प्रीवियस वीडियो में कैप्चर किया, कवर किया है इस विषय को, कि यार किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है इनका। बट टू मेक इट लिटिल मोर डिटेल, आई वुड जस्ट कंप्लीट हियर। अगर वो नहीं देखा तो आप अभी आई बटन पे क्लिक करना, आपको दिख जाएगा, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। मैंने AFMC का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। बस एक ही बात, एक इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहूंगा, कि MBBS के बाद आपको 7 साल की एक कंपल्सरी सर्विस देनी पड़ती है। आपने MBBS कंप्लीट किया AFMC से, आपका कमीशन किया जाएगा। यू वुड बी कमीशन एज एन आर्म्ड फोर्सेज ऑफिसर, आप ऑफिसर के पोस्ट पर कमीशन होंगे। 7 ईयर्स की सर्विस दी जाती है, इसको SSC का टर्म दिया गया। SSC मीन्स इट्स एन अब्रीविएशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC, और उसे आपको AFMS में डाल दिया जाता है। वॉट इज AFMS? आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, विच इंक्लूड्स इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। किसी में भी आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया कि आपको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। मान लिया कि आपने और काफी सारे लोगों ने लेट्स से इंडियन आर्मी सेलेक्ट कर लिया, तो बट सबको मिल नहीं सकता, क्योंकि इंडियन आर्मी की सीट्स तो होंगी, आपको उतने ही स्टूडेंट्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें से आपको सबको तीनों में भेजना है। तो क्या करते हैं कि जो टॉप्स, मान लिया कि मैंने आर्मी में डाल रखा है, आपने भी आर्मी में डाल रखा है, पर आपकी आपके मार्क्स में से कम है, तो मुझे आर्मी दिया जाएगा। और आपको अगर आखिरी की हम सीट्स पे फाइट कर रहे हैं, तो आपको आर्मी नहीं दिया जाएगा अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है आर्मी की। तो इस तरीके से एक लिस्ट निकालते हैं मार्किंग की, और उस आपके प्रेफरेंस देखते हैं। तो जिस जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी, उस हिसाब से अगर आपको मिल सकता है तो आपको दे देंगे, नहीं तो द सेकेंड लिस्ट, आई मीन आपको उसमें डालना पड़ता है फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकेंड प्रेफरेंस क्या है, उस हिसाब से आप डाल दो तो आपको उस हिसाब से मिलता है। इसको कहते हैं SSC, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। 7 ईयर्स का कंपलसरी बॉन्ड होता है। इन केस आपको 7 ईयर्स ना करके टिल सुपर एनुएशन, जो बेसिकली विच मींस कि आपको एक रिटायरमेंट के बाद, यूं समझ लो कि रिटायरमेंट तो पहली बार दी जाती है, आप रिटायर हो रहे हो, आपको 20 ईयर्स की सर्विस करनी पड़ती है मिनिमम रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट पे क्या होता है, आपको रिटायरमेंट में पैसे दिए जाते हैं, कुछ कितने पैसे दिए जाते हैं आपको, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने साल सर्विस दिए। टोटल 60 ईयर्स दिए तो क्या होगा, वैसे 60 ईयर्स मीन 60 ईयर्स ऑफ योर एज आपने सर्विस दी है तो कितना पैसा मिलेगा। आपने टोटल 60 ईयर ना देके आपने 20 ईयर्स का बस वो कंप्लीट कर लिया, तो आपको कुछ फायदे होते हैं, जैसे आपको पेंशन दिया जाता है, पेंशन होता है आपको मंथली कुछ पैसे देंगे वो, तो ये होता है। तो सुपर एनुएशन इसी टर्म को कहते हैं, गिविंग यू रिटायरमेंट विद सम यू नो कंपनसेशन एंड मनी फॉर योर, जिसको हिंदी में गुजारा भत्ता कहते हैं, वैसा है, आपको पेंशन दिया जाता है, इसको सुपर एनुएशन कहते हैं। तो परमानेंट कमीशन आपको टिल 60 ईयर्स तक देता है, आप रिटायर हो जाओगे तब तक, और काफी अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। मैं हम लोग उसके बारे में ही बात करेंगे आगे, कि आई थिंक एक लास्ट वीडियो और बाकी रहेगा, या एट मैक्स 2 और वीडियो आएंगे AFMC के सीरीज पे, जहां पर बात करूंगा कि जब आप कमीशन हो जाते हैं तो किस तरीके की लाइफ होती है, व्हाट इज द इनिशियल पेमेंट, बेसिक पेमेंट, प्लस यू नो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस कितने मिलते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले आने वाले वीडियोज में। तो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू बी टिल डेट। उसके अलावा जो कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में, कैसे पैसे वगैरह दी जाती है, जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाओगे ना, मैंने आपको बता रखा है स्क्रीनिंग वगैरह के लिए जाते हैं, उसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, वो सब मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, तो आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वहां पे आपको जो कंप्लीट सिनेरियो है बॉन्ड वगैरह का, या आपको कैसे सर्विस देनी पड़ेगी, ये आपको उसी टाइम बताते हैं स्क्रीनिंग के टाइम पे। तो यू नो फॉर बेटर डिटेल्स एंड मच मोर प्रिसाइज डिटेल्स, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको एकदम ढंग से बता देते हैं बिफोर स्टार्टिंग में बता देंगे आपको, ऐसा ही नहीं कि आप गए पूरा आखिरी में बताते हैं जब आप सिलेक्ट हो गए कि क्या होता है, नहीं, घुसते ही आपको बताते हैं कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आपको रहना है तो आप रहोगे, ना आप अभी जा सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मैंने बता रखा है आपको कि 61,000 रुपीज़ की 61 लाख रुपीज़ की बॉन्ड होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 61 लाख,
और 61 लाख रुपीज की आपको बॉन्ड पे करनी पड़ेगी अगर आप एडमिशन के 1 वीक बाद चले जाते हो, यानी 1 वीक पैसे पहले चले जाते हो, मान लिया आपने 1 वीक कंप्लीट नहीं किया एडमिशन का, फिर आप जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पे नहीं करना होता। बट अगर आप एडमिशन के 1 वीक बाद जाते हो और कभी भी जाते हो उसके बाद, तो आपको ₹61 लाख का बॉन्ड पे करना पड़ता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं बता दूंगा आगे चल के इसी वीडियो में, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये हो गया मेथड ऑफ बेसिक सिलेक्शन, मैंने बिल्कुल डिटेलली इसका बात कर रखा है पिछले वीडियो में, ये बस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने सोचा कि ऐड अप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अगर हम बात करें रिमूवल, अगर आपको कभी हटाया जा सकता है मतलब सर्विस से, तो क्यों हटाया जाता है सर्विस इन सेंस कॉलेज से, तो क्यों हटा सकते हैं? सबसे पहले आपको मेडिकली अगर आप अनफिट हो गए कॉलेज के अंदर ही, तो आपको हटा देंगे। मैंने एक वीडियो में ये बता रखा है ऑलरेडी ही, जिसको मैं अभी आई बटन पर डाल दूंगा, मुझे याद नहीं मैंने किसने बताया, पर उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप फिट अनफिट डिक्लेयर हो गया और आपको कॉलेज से हटाया जा रहा है, तो आपको एक इंश्योरेंस साइन करवाई जाती है। मैंने उसका बिल्कुल डिटेलली बता रखा है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा वीडियो को, वो आपको इंश्योरेंस साइन करवाई जाती है। इसके लिए आपके प्रीमियम्स लेते हैं और ये सब पैसे लेते हैं आपसे, आपसे भुगतान करेंगे, पर बहुत कम अमाउंट होता है। बट इन केस यू आर मेडिकली अनफिट, तो आपको निकाल दिया जाएगा कॉलेज से विद सम कंपनसेशन। हाउ मच कंपनसेशन? अगर आपकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली उस कॉलेज के अंदर, तो आपको 15 लाख रुपए आपके परिवारजनों को दिया जाता है, जस्ट टू कॉम्पनसेट अ लिटिल बिट, कि यार जितना भी नुकसान हुआ है हम कुछ आपकी मदद कर सके। अगर आप 100% डिजेबल हो जाते हो, आप मतलब आप जीवित हो पर 100% डिजेबल हो चुके हो, अब आप किसी कोई काम नहीं कर पाओगे, तो आपको 750,000 रुपीज की का इंश्योरेंस दिया जाता है, और प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करते करते 20% पे 150,000 रुपीज तक आपको दिया जाता है। 20% तक आप डैमेज हो चुके हो। इनकी क्या क्राइटेरियाज होती है, वो आपको उनके ब्रोशर जो आपको वहां पे ही देंगे जाके, वहां पता चलता है कि किस तरीके से इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो ये हो गया अगर आपको सर्विस से रिमूव किया जाता है अगर आप मेडिकली अनफिट हो। बट देर इज वन मोर ग्राउंड, दैट इज पुअर अकेडमिक्स। अगर आपकी अकेडमिक्स लगातार पुअर चल रही है, आपको बैक लगते जा रहे हैं कॉलेज में, तो देर इज अ गुड चांस कि आपको हटा दिया जाएगा कॉलेज उस पे से। उसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह तो हर जगह है, हम सभी जानते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आर्म फोर्सेस के मेडिकल कॉलेज आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं हर चीज़ के बारे में। हम वैसे भी फिलहाल आगे चल के रैगिंग और क्या डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह होते हैं सबके बारे में एकदम डिटेलली बात करने वाले हैं बस अगले वीडियो में, तो उसके लिए आप बस इंतजार कर सकते हैं। तो हम वैसे आपको बता दूं कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में कोई कटौती नहीं की जाती। अगर आपने कुछ भी गलती की तो आपको कुछ पनिशमेंट दी जाती है, बहुत सीवियर पनिशमेंट, मतलब गलतियों पर आपको कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस और एनी कंपनसेशन दैट वुड बी पेड। बिना 1 भी रुपए दिए आपको हटा दिया जाएगा कॉलेज से, तो यू मस्ट बी सेफ एंड साउंड देयर। अगर आप गलतियां करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, पर आप बहुत ज्यादा मतलब आप हद कर देते हो, लगता है आप नहीं हो पाएगा, तो बस गॉन, ये होता है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि लास्ट डिसीजन कि आपको निकालना है नहीं निकालना है कॉलेज से, वो DGAFMS को दिया जाता है। DGAFMS क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। अगर उनको लगता है कि यार आपकी गलती बहुत कम थी, आपको निकाला नहीं जाना चाहिए, तो अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफिकेशंस ला के, यार ठीक है आप मतलब ठीक है आप कंटिन्यू करो, पर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एज अ फाइन, या हो सकता है आपको हम फिर आर्म फोर्सेस के उसमें सर्विस नहीं देंगे, आपको सर्विस कहीं और करना पड़ेगा, हम आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल में आपको सर्विस नहीं देंगे, या अलग अलग तरीके, वो मतलब बिल्कुल सब्जेक्टिव है, आपके पर्सनल केस पर डिपेंड कर सकता है कि उनकी डिसीजन क्या होगी। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने 61 लाख रुपीज़ पे किया, जो आपको बताना चाहता था वीडियो के शुरुआत में, अगर आपने 61 लाख रुपीज़ पे किया और आप कॉलेज से निकल गए इनकेस, तो भी अगर आप वापस कभी कॉलेज में आ जाते हो, ठीक है भविष्य में, मान लिया आपने सोचा कि मैं भविष्य में भी प्लान रहता है, आपको बता दूं MBBS के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए ज्वाइंड इंडियन आर्म फोर्सेस करके एक साइट आती है, अब वहाँ जाके देखना है, वो लोग एक नोटिस निकालते हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर MBBS फ्रॉम एनी अदर कॉलेज। पर अगर आप वैसा करते भी हो लेकिन आपने 61 लाख रुपीज़ देके AFMC से अपना नाम कटवा लिया था, तो आपको वहाँ पे नहीं लेंगे, यानी आपको फिर किसी भी भविष्य में किसी भी सर्विस जो आर्म फोर्सेज की सर्विस है उसके हॉस्पिटल में जगह नहीं दी जाएगी, आप रह जाओगे वैसे ही, ठीक है। और नाउ द लास्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक टुडे, एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको बात पहले बता रखा है इसका डिटेल वर्जन की, क्या क्या प्रोसेस क्या होता है एडमिशन प्रोसेस का, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैंने AFMC का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे जाके पूरी वीडियो देख लो, अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि मैंने काफी कंटिन्यूशन में बनाया हुआ वीडियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एडमिशन प्रोसेस की है वो ये है कि आपके पास एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सब चीज़ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। मान लिया आपको टेंथ मैंने क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने उसको पिछले वीडियो में बना रखा है, आई डोंट रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग, इट्स नॉट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो देखो, मुझे याद नहीं है बस, पर 10th 12th का तो चाहिए होगा, तो आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर चलना पड़ता है। किसी भी चीज़ का फेक यानी फोटोकॉपी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल लेकर चलना पड़ता है। अगर नहीं है या ये पता चल जाए उनको कि आपने जो भी सर्टिफिकेट पे किया है वो सही नहीं था, देयर वाज नॉट ओरिजिनल, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको वो एडमिशन से हटा देंगे, आपको फर्दर किसी भी एडमिशन के प्रोसेस में शामिल नहीं कर देंगे AFMC के, और बाकी किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप वेटिंग लिस्ट पे हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, या ये रेकमेंड किया जाता है, जो मैं भी करूंगा, उन्होंने ब्रोशर में भी किया है अपने रेकमेंड, कि आपको पुणे में ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्यों पुणे में रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि वेटिंग लिस्ट में, मान किसी के जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड थे सिलेक्ट होने के लिए, मान उनमें से किसी ने अपना एडमिशन नहीं किया, तो वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट्स को ले लिया जाता है। तो आप अगर पुणे में ही रहते हो, जैसे मान लिया आपको बोला कि आप पुणे में, आप कल आ जाना, और आप पुणे में नहीं हो तो भी आपको कल ही कल आना पड़ेगा, अगर आप कल नहीं आए तो आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत पहले बताया कि ये आर्म्ड फोर्सेज है, यानी आर्म्ड फोर्सेज के कॉलेज नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्टनेस ही हमारे आर्म फोर्सेज की एक खासियत है। स्ट्रिक्टनेस अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो हमारे आर्म फोर्सेस थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये हर तरीके से चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन रहो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, अगर आप उस दिन, जिस दिन कहा जाता है, उस दिन अगर आप टाइम पे भी रिपोर्ट नहीं करते, आप उस दिन तो छोड़ दो, अगर आप टाइम पे भी रिपोर्ट नहीं करते तो आपको कैंसिल कर देंगे। जैसे मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने बताया था कि एक स्टूडेंट था, जब वो लोग गए थे अपने इंटरव्यू के लिए, एक स्टूडेंट था जो कि इनको 9 o'clock रिपोर्ट करना था, एक स्टूडेंट ने 9:05 पे रिपोर्ट किया, एंड ही सेड कि ट्रैफिक था सर रास्ते में, इसलिए मैं नहीं आ पाया, एंड ही वाजंट गिवन द एडमिशन। पता नहीं क्या और रीजन हो सकते हैं, पर फर्स्ट डे आते ही कोई कैसे क्या देगा कि क्या और रीजन हो। आई होप कोई कोई और रीजन नहीं था, ना तो मुझे लगता है बस क्योंकि वो 5 मिनट लेट था, उसे एडमिशन नहीं दिया गया। तो दैट इज द लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस दे हैव। तो आपको इस तरीके से कंप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप, मतलब आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा जब बुलाया गया तब आओ। यहाँ तक कि शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट्स भी अगर टाइम पे नहीं आते हैं या फिर उस दिन पे नहीं आते जिन वो आना है, तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको नहीं रखेंगे उसमें। तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट चीज। और कैसे इन्फॉर्म करते हैं आपको, 3 तरीके से कर सकते हैं, फोन पे, ईमेल पे, या लेटर भेज सकते हैं आपके एड्रेस पे। दैट्स वाई उस दिनों में जब तक आप वेटिंग लिस्ट पर, तब तक आपको काफी एक्टिव रहना चाहिए, स्पेशली इन सारे सोशल चीजों पर, जो लेटर देखते रहना अपना, लेटर बॉक्स जो भी आपके पास होगा, आपको फोन चेक करते रहना अपना, मतलब फोन का म्यूट वगैरह पे डालना, कभी भी कॉल आ सकता है, और ईमेल चेक करते रहो कंटिन्यूसली, कभी भी आपको इस चीज का मैसेज दे सकते हैं वो, ठीक है। और अगर ऐसा आप नहीं अटेंड करते, मैंने पहले बताया, अगर आपने मैसेज नोट कर दिया कुछ भी ऐसा, तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और कब तक आपको मतलब रुकना पड़ेगा पुणे, जब तक उनका सीट फुल ना हो जाए। मैंने बता रखा ऑलरेडी 115 सीट्स फॉर बॉयज एंड 130 सीट्स फॉर गर्ल्स, तो ये 145 सीट ही होते हैं। इन्हीं के अंदर जब फिल हो जाता है तो आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर देंगे, आप चले जाओ वहां से, उठे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ था ब्रोशर में, ये था कि आपको एडमिट कार्ड बिल्कुल याद से रखना है, आप एडमिट कार्ड मत भूल जाना, वरना आपको मतलब, क्योंकि वो चीज़ जरूरी होती है उस टाइम पे, तो अगर नहीं रखोगे तो देयर माइट बी सम कॉन्सिक्वेंसेस विच मे नॉट बी फेवरेबल, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप याद से मेडिकल कार्ड रख लेना, आई मीन सॉरी एडमिट कार्ड रख लेना, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मेडिकल का, जो मैंने बता रखा है आपको, उस जब बुलाया जाता है उसके दूसरे दिन होता है, मैंने मेडिकल का बिल्कुल पॉइंट वाइज वेरी डिटेलली एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो इट्स योर चॉइस, ठीक है। उसके अलावा मान लिया आपको कुछ किसी चीज पे लीगल ज्यूरिसडिक्शन रखना है, यानी आपको किसी भी चीज पे कानूनी तौर पे कुछ कार्रवाई करवानी है, कि यार मुझे सही लगता है, आपने कुछ डिसीजन गलत लिया, कुछ भी ऐसा, तो आपको, आप कर सकते हो, यू आर बिल्कुल फ्री फॉर इट, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं, ये आपका राइट है, तो आप जा सकते हो। बट ये कहाँ होगा, पर आपको पुणे के अंदर, यानी महाराष्ट्र के अंदर ही किसी मोस्टली हाईकोर्ट में जाता है ये इशू, तो अगर आप हाईकोर्ट में जाते हो तो वहाँ महाराष्ट्र के अंदर ही करना पड़ेगा। इसके बाहर के किसी भी एरिया में जस्टिशन, आप अगर मतलब आप कोई भी चीज लॉन्च करोगे, कंप्लेन लॉन्च करते हो, तो इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये पुणे AFMC पुणे आपको वो करने नहीं आएगा। अगर आप महाराष्ट्र में करते हो तो AFMC को अपना साइड रखना पड़ेगा, एंड वट एवर वुड बी द डिसीजन ऑफ द बोर्ड जज इन द हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र, वही डिस्कस किया जाएगा। पुणे महाराष्ट्र का मतलब महाराष्ट्र से जो है पुणे उसका एक सिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में ये चीज़ दाखिला करवाना पड़ेगा इसका, ठीक है। उसके अलावा मैंने बहुत पहले बता रखा कि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाती हैं, 100% रेजिडेंशियल हॉस्टल्स होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट होते हैं, और इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू लिव इन द हॉस्टल, आप बाहर नहीं रह सकते हो, ये रूल बुक में ही नहीं है, ठीक है, आपको बाहर नहीं रहना, आपको जब तक 5.5 साल आपको हॉस्टल के अंदर रहना पड़ता है, का रूल्स वगैरह हैं उसके, मैंने उसको भी डिस्कस कर रखा है, तो इन केस यू वांट टू सी, यू कैन जस्ट गो एंड सी दैट, ठीक है। तो दैट वाज ओवरऑल फ्रॉम माय साइड, गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको पता है मैंने पहले बता रखा कि बहुत रिसर्च लगती है इसमें, तो यू कैन जस्ट लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे के मैं 2 वीडियो एटलीस्ट लाऊंगा AFMC के, हो सकता है मैक्स 2 या एटलीस्ट 1, एक वीडियो लाना बाकी है, तो आप सब्सक्राइब कर लो ताकि पता चल जाए। कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल से जुड़ने के लिए। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।